अस्सलाम वालेकुम एट क्लास हाउ आर यू आर यू फाइन एट क्लास बच्चों इंग्लिश का आज हमारा जो टॉपिक है उसमें कम्प्रिहेंशन हम लोगों ने करना है आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक बात आ, सुन लें कि आप लोगों का जो कम्प्रिहशन का पैराग्राफ है वो आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक पैराग्राफ उसमें नहीं आता ठीक है उसमें आप लोगों को कोई भी पैराग्राफ आ सकता है बुक से चाहे कहीं से भी आप लोग को कोई पैराग्राफ इंग्लिश में दिया जाएगा जैसे ये पैराग्राफ होगा इसमें और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे ठीक है एक इंग्लिश का पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसी पैराग्राफ में से आप लोगों को उनके क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ के लिखना होगा ठीक है जब आप लोग पैराग्राफ को रेड करेंगे एक दफ़ा नहीं टू टाइम्स नहीं थ्री टाइम्स जब आप लोग पैराग्राफ को रेट करेंगे आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर उसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे ठीक है इसे कहते हैं कंप्रीहेंशन अब आप लोगों ने ये एक इसका जस्ट आप लोगों को मैथड आना चाहिए कि ये मैथड इसका कैसे है इसे सॉल्व करने का मैथड इसे आप लोगों को अटैम्प्ट करने का मेथड आना चाहिए कि कैसे इसे इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं वैसे आप लोगों को पैराग्राफ कोई भी आ जाए लेकिन आप लोगों को कम्प्रहेंशन का मेथड पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताया अब जैसे कि आप लोग इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का ये एक सारा पैराग्राफ दिया गया है कि रेड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आप लोगों ने इसमें से लिखने हैं पैराग्राफ है कि एन ओल्ड मैन हैड अ लॉट ऑफ मनी ही डिड नॉट नो Uh, where to keep it? There were no banks in those days. He got an आइडिया एंड डगअप आ होल एंड प्लेस प्लेस्ड आल आल द मनी कि उसने अपना एक वो जो एक गड़ा खुद और उसमें से सारी जो रकम रख रक दी तब बैंक नहीं होते थे ओल्ड मैन पे एक पैराग्राफ है कि आफ्टर सम टाइम द कम्प्लीटली फॉर गटन वेर ही हैड हिडन द मनी वन नाइट अ थीफ केम टू ओल्ड मैंस बेडरूम द ओल्ड मैन गाउट फॉर फ्राड एंडेड हिम सेल्फ अंडर हीज बेड एंड लेट द थीफ टू डू वर्क द थीफ डगअप आल द होल एंड होल एंड बिगन टू टेक आउट द मनी वेन द ओल्ड मैन सा हीज फॉर गटन टन मनी ही गेव अ लाउट श्रिक द थीफ गॉड फ्राइड एंड ड्रॉप द मनी एंड रन अवे द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी टू सी द मनी ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस डिस्कवरी लेटर ही रैन टू टेल हीज फ्रेंड्स अबाउट इट की वो जो रकम थी उसने वहाँ पर गड़े में खोद दबा दी थी उसे ओल्ड मैन को याद नहीं रहा था एक रकम कहाँ पे रखी जब थीफ आए चोर आए तो उनको वो रकम मिल गई ओल्ड मैन रोया और वो जो उसकी रकम ले छोड़ के बागे तो उसने वो ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स को बताई ठीक है ये पैराग्राफ है अब नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाउ मच मनी डिड द ओल्ड मैन है नीचे इसका आंसर है द ओल्ड मैन डिड नॉट नो वे टू कीप अवे मनी हाउ डिड द ओल्ड मैन फाइंड बैक हिज फॉर गटन मनी एंड वट वाज द ओल्ड मैन रिएक्शन एंड अ सुटेबल टाइटल इसके बाद टाइटल देना होगा टाइटल इसी पैराग्राफ में से देना होगा मनी सेविंग इज अ गुड आइडिया कि मनी को सेव करना अच्छा है ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पे तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिखे हुए मिले हैं क्योंकि मैंने एक आप लोगों को मेथड बताना था कि कैसे को सॉल्व करते हैं आ, वैसे आप लोगों को कोई पैराग्राफ आए तो क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे होते आप लोगों को इस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं तो आज आप लोगों का यही कंप्रीहेंशन का कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है पैराग्राफ को होमवर्क में आप लोगों ने लिखना है और नीचे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखे इनके आंसर खुद ढूंढ के यहाँ पर होमवर्क में आप लोग लिखेंगे ठीक है यही आज आप लोग का इंग्लिश का वर्क है